हेलो बच्चों, हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। दो इसके हम लोग लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं, आज थर्ड लेक्चर है। ठीक है, हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी बोल सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या है, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोलते हैं? मैंने बताया था कि इसमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन्स का लो लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर क्या होता है, एक्साइटेशन होता है, या ये कह सकते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं और वापस उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशंस की वजह से ही इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होता, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर मॉलिक्यूल रोटेट करता, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये वाइब्रेशनल और रोटेशनल कब होते हैं? ये तब होते हैं जब हम लोग किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस पर क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज डालते हैं। क्या डालते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मैं पहले बता चुकी हूँ डालते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालने के कारण इन मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन होता, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल के अंदर ये रेडिएशन डालने पर मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशनल होता तो उसको बोलते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन जब 200 to 800 nm जो कि यूवी विजिबल की स्पेक्ट्रोस्कोपिक रेंज है। वैसे तो यूवी विजिबल की रेंज, यूवी की कितनी रेंज है, 50 से स्टार्ट है, लेकिन मैंने बता चुकी हूँ तुमको लास्ट वीडियो के अंदर कि 50 to 200 जो होती है वो हमारे कोई काम की नहीं होती है, उसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन में काउंट नहीं करते हैं। तो ये जो 200 to 800 nm की जब रेडिएशंस डालेंगे तो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। ठीक है, इसलिए इसको बोला इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से ही हमें उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई होगी। तो अगर कोई पूछ रहे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का अदर नेम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और अगर कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोलते हैं इसको, तो क्या आंसर आएगा कि क्योंकि जब किसी कंपाउंड पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं इस रीजन की 200 to 800 nm जो कि यूवी विजिबल रेंज की रीजन है, तो इस रेंज में जब ये डालते हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है लो लेवल से अपर लेवल या अपर लेवल से लो लेवल की ओर, या तो ये, फिर अगर ये ऊपर जाएगा तो वापस नीचे भी आएगा। ठीक है, तो इस वजह से उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है, कैसे होते हैं, ये चीज़ देखेंगे हम लोग। मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, देख लीजिए, मान लीजिए ये एग्जांपल है, इसका IUPAC नाम वगैरह तो हम लिख देंगे, वैसे इसको बोलते हैं इनोन। क्या बोलते हैं? इनोन। इनोन क्यों बोला, ध्यान दीजिए, ये डबल बॉन्ड है हमारे पास, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, डबल बॉन्ड एल्कीन, इन बोलते हैं डबल बॉन्ड को, और कीटोन का सफिक्स क्या है, ओन, ओन बोलते हैं ना कीटोन को। ठीक है, तो इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और कीटोन भी है। ठीक है, एल्कीन भी है और कीटोन भी है, मतलब डबल बॉन्ड भी है, और तो उसको मिलाकर के क्या बोलते हैं, इनोन, जो कि सेकेंड ईयर में ही आगे आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे, कीटोन के अंदर चैप्टर में देखेंगे, इनोन अलग से हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनोन है, मैं इनोन का एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सब जानते हैं जो सिंगल बॉन्ड से बना होता है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी है, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन भी है, और इसके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। नॉन बॉन्डिंग का मतलब जो कि बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते।
कौन से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप देखकर बता सकते हैं यहाँ पर मुझे? देखिए ये ऑक्सीजन के पास जो दो लोन पेयर होते हैं उनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मीन्स कहने का मतलब ये है कि लोन पेयर्स को क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी है, पाई इलेक्ट्रॉन भी है और एन इलेक्ट्रॉन भी है, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब देखिए हमने एमओटी अच्छे से पढ़ रखी है सबने, एमओटी आपने पढ़ रखी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 11th क्लास के अंदर। हमने वहाँ पढ़ा था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल इधर उधर आपस में एक इधर आपस में कंबाइन करते हैं तो इधर ऊपर और नीचे हम क्या बनाते हैं? ये जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिनको AO बोलते हैं, ये आपस में जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, सब जानते हैं। ठीक है, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है कि कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो इन एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सब जानते हैं ये चीज़, 11th क्लास में पढ़ के आ चुकी है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, और कुछ की एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। जितनी एनर्जी कम होगी उतनी एनर्जी अप होगी, याद रखना है इस चीज़ को। जितनी एनर्जी यहाँ आप कम करोगे उतनी एनर्जी को यहाँ आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये अगर यहाँ पे होता तो इसको मैं यहाँ ले लेती। ठीक है, तो जितनी एनर्जी यहाँ अप लो हुई है उतनी वहाँ आपको क्या करनी पड़ेगी? अप करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं या ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी बिल्कुल इनके पैरेलल होती है, बिल्कुल इनके बराबर होती है, उनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं ना, जो बिल्कुल जस्ट जिनके पैरेलल रहती है। ठीक है, हाई वाले को एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, लो वाले को बॉन्डिंग बोलते हैं, जिनकी बराबर है इक्वल है उसको बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ओके, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि जिसका सिग्मा होगा उसका इसको स्टार से शो करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है जिसका सिग्मा होगा उसका सिग्मा स्टार भी होगा, जिसका बॉन्डिंग होगा उसका एंटी बॉन्डिंग भी होगा जिस ऑर्बिटल का, और जिस ऑर्बिटल का पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? पाई स्टार भी होगा। कहने का मतलब ये है कि जिस इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग है उसका एंटी बॉन्डिंग भी होगा, और जिस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन तो इसका बॉन्डिंग है तो इसका भी क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग होगा। यानी मेरे पास नॉन बॉन्डिंग का तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि इसकी एनर्जी तो इक्वल है, तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं। यानी जितनी एनर्जी यहाँ कम हुई है उतनी एनर्जी हाई भी है। ठीक है, जिसको सिग्मा स्टार बोलते हैं। तो मेरे पास कितने टोटल ऑर्बिटल हो गए या कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए कुल मिला के? सिग्मा स्टार 1, 2, 3, 4, 5। हम लोग अब एनर्जी लेवल बनाते हैं, सिग्मा पाई एन, यहां तक तो हम लिख देंगे सिग्मा पाई एन। अब मुझे लिखना है सिग्मा स्टार और पाई स्टार। ठीक है, मैंने ये बॉन्डिंग वालों को तो नीचे ले लिया, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है? अप होती है, हाई होती है, तो एंटी बॉन्डिंग वालों को मुझे कहाँ लेना पड़ेगा? ऊपर लेना पड़ेगा। लेकिन कंफ्यूजन जहां रहता है वो चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं यहां पर सिग्मा स्टार बनाते हैं और फिर यहाँ पाई स्टार, यहां पर गलती होती है, गलती वाली जगह बताऊंगी मैं आपको। कुछ लोग कहते हैं यहाँ सिग्मा स्टार यहाँ पाई स्टार लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी जितनी डाउन होगी उतनी ही उसकी क्या होगी? अप होगी। ठीक है, तो यहां देखिए आप सिग्मा की एनर्जी, ये नॉन बॉन्डिंग है, यहां से अगर आप काउंट करें तो सिग्मा की एनर्जी इतनी कम हुई है। ठीक है, तो इतनी ही अप होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो अप हुई नहीं, इसमें तो थोड़ी सी अप हुई है। तो अगर मैं इसको यूं कर दूं सिग्मा स्टार और पाई स्टार, तो आप देखो इससे सिग्मा की एनर्जी इतनी कम हुई है तो उतनी ही बढ़ गई देखो, और इससे पाई की एनर्जी इतनी कम हुई है तो इतनी क्या हो गई? अप हो गई। समझ में आया? इसीलिए वो मैंने आपको समझाया हमारा डायग्राम से, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, पहले आप देख लोगे कि पहले मुझे बॉन्डिंग वाले लिखने हैं, फिर नॉन बॉन्डिंग लिखना है जिनकी एनर्जी इक्वल रहती है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ आती है पाई स्टार और सिग्मा स्टार लिखने में। तो वो मैंने समझा दिया आपको, जितनी एनर्जी यहाँ से आपको सिग्मा की कम करनी पड़ेगी उतनी एनर्जी ऊपर देनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए ऊपर ऊपर आएगा सिग्मा। ओके, अब अगर मान लो कुछ लोग नहीं जानते कि सिग्मा को, आपको कई लोग पूछ सकते हैं कि भाई ये ऐसे भी तो लिख सकते थे पाई और सिग्मा, आपने ऐसे पहले सिग्मा क्यों लिखा फिर पाई क्यों लिखा? तो उसका भी रीज़न है, उसका रीज़न तो आप सब जानते हैं कि सिग्मा कैसे बनता है, सिग्मा ऑर्बिटल कैसे बनता है, ऊपर लिख दे थोड़ा सा, यहाँ लिखते सिग्मा ऑर्बिटल कैसे बनता है? फेस टू फेस होता है जब ओवरलैपिंग, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जब कैसे होता है?
इस तरह से लेटरल होता है, कोलेटरल, ठीक है, इस तरह से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं समाक्षी अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, समपार्श्वी होता है तो पाई बॉन्ड बनता है, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में हेड टू हेड और हेड टू टेल एक तरह से मान लो, या टेल टू टेल, या फिर कोलेटरल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब सब जानते हैं कि ये वाला जो ओवरलैपिंग होता है, 11th क्लास में पढ़ के आ चुके, ये वाला ओवरलैपिंग क्या होता है, ये बहुत इस ओवरलैपिंग के थ्रू बॉन्ड जो बनता है वो स्टेबल बनता है, मोर स्टेबल बॉन्ड है, तभी तो हम कहते हैं कि क्योंकि इसमें जो ओवरलैपिंग हुई है बिल्कुल सामने से हुई है टक्कर। आप देखिए नॉर्मली आप अगर एग्जाम्पल लीजिए, मैं अगर मेरे सामने अगर कोई बंदा आ रहा है मैं उसे सीधा टकराऊंगी, ठीक है, तो मुझे बहुत तेजी से लगेगी, बहुत तेजी से टक्कर होगी आमने सामने की। लेकिन अगर मैं उसके साइड में टकराऊंगी, यहाँ मतलब हम लोग जा रहे हैं और अगर आप सामने वाले बंदा और मेरा का अगर शोल्डर अगर बिल्कुल टकराया जस्ट, तो इतनी ज़्यादा टक्कर नहीं होगी या इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर सीधा टकराने में क्या होता है, बहुत तेज मतलब टक्कर होती है, ठीक है, तो एक तरह से सीधा टकराया ये, और ये कोलेटरल में क्या है, एक तरह से साइड में टकराया ये उसका, मेरा शोल्डर और सामने वाले का शोल्डर, ठीक है। तो ये इतना तेज नहीं होगा, ठीक है, इतना तेज नहीं होने के चक्कर में इसका जो बॉन्ड होगा वो लेस स्टेबल होगा। यहाँ पर ओवरलैपिंग कम हुई है, यहाँ पर ओवरलैपिंग ज़्यादा हुई है, ओवरलैपिंग ज़्यादा होने की वजह से ये मोर स्टेबल होता है, ठीक है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आप सब जानते हैं, और नहीं जानते तो हमेशा याद रख लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, कि जो मोर स्टेबल चीज़ होती है, चाहे कोई भी चीज़ ले लो, मैं इलेक्ट्रॉन्स की या ऑर्बिटल्स की बात नहीं करूँ, कोई भी चीज़ ले लो, अब मैं आपको नॉर्मल लाइफ का भी एग्जाम्पल लेके बताऊँगी, जो मोर स्टेबल चीज़ होती है उसकी एनर्जी लेस होती है, लेस एनर्जी, ठीक है। और बस एक कॉन्सेप्ट याद रख लो तो अपने आप दूसरा वाला तो अपने आप आ जाएगा। मोर स्टेबल, मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए आज मुझे वायरल हो गया, ठीक है, वायरल हो गया तो मैं क्या करूँगी, वायरल हो गया मुझे, ठीक है, तो वायरल हो गया तो क्या करूँगी, मेरी एनर्जी बहुत डाउन हो जाएगी, मैं जो कुछ भागा दौड़ी नहीं कर पाऊंगी, ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, बैठी रहूंगी एक जगह, यानी मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, वैसे तो मैं इधर उधर घूमूंगी, ठीक है, अगर मेरी एनर्जी हाई होगी, जिसकी एनर्जी ज़्यादा हाई होती है, बच्चों की एनर्जी ज़्यादा हाई होती है तो बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर मेरी एनर्जी कम होगी, मुझे फीवर हो गया, तो मैं क्या करूँगी, बैठ जाऊँगी एक जगह, सो जाऊँगी, लेट जाऊँगी, यानी कि मेरी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, एनर्जी कम हो गई मेरी, ठीक है, एनर्जी कम हो गई, लेस हो गई मेरी एनर्जी, क्योंकि मुझे वायरल फीवर हो गया, तो इसलिए मेरी एनर्जी क्या हो गई, लेस हो गई। तो मैंने क्या किया, मैं सो गई या बैठ गई, तो मेरी स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, मैं ज़्यादा, स्टेबिलिटी का मतलब क्या, स्थायित्व, ठीक है, स्थायित्व मतलब स्थायी हो जाऊंगी, मैं बैठ जाऊंगी एक तरह, घूमूंगी नहीं इधर उधर, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेस एनर्जी का मतलब मोर स्टेबल, जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, लेस स्टेबल क्या होगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, मेरी एनर्जी ज़्यादा है तो मैं कम स्टेबल रहूँगी, भागूंगी इधर उधर, स्टेबल कम रहूँगी। तो देखिए मोर स्टेबल सिग्मा, सिग्मा मोर स्टेबल होता है, बताई दिया मैंने रीज़न इसका क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, सिग्मा मोर स्टेबल होता है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, लेस होगी, तो मैंने इसको लेस बनाया है, इसके एनर्जी ऑर्डर को मैंने या लेवल को मैंने कम पे बनाया है, इसकी एनर्जी अगर ऑर्डर में देखें तो सबसे कम एनर्जी इसकी, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा, तो इसी वजह से मैंने जो मोर स्टेबिलिटी है सिग्मा बॉन्ड की, उसी वजह से इसकी एनर्जी को मैंने सबसे कम बनाया है। फिर पाई आ जाएगा बॉन्डिंग, फिर नॉन बॉन्डिंग जानते ही हो आप, जिसकी एनर्जी बिल्कुल एओ के बराबर होगी, फिर अपने को एंटी बॉन्डिंग लेने, एंटी बॉन्डिंग में अपने को जिसकी एनर्जी जितनी कम उसकी एनर्जी उतनी अप लेनी है, इसलिए सिग्मा स्टार को मैंने ऊपर ऊपर लिखा है, ठीक है, सिग्मा सिग्मा स्टार, ओके, बात समझ में आया। तो ये तो मैंने आपको ये बताया था कि सिग्मा और ये लेवल्स को मैंने किस तरह से अरेंज किया है, आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, अपने आप अरेंज हो जाएंगे इससे। अब देखिए ये जो एनर्जी लेवल होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लीजिए मैं एक इस बॉन्ड की बात कर रही हूँ, ये सिग्मा बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन गिरा, एक इलेक्ट्रॉन गिरा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक बॉन्ड की बात की मैंने, सारों की नहीं करी, एक मैं पाई बॉन्ड की बात करूँ, मान लीजिए इसकी बात करूँ, ये सिग्मा है, ये पाई बॉन्ड, मान लीजिए इस बॉन्ड की बात करूँ, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनाए, तो इसमें मैंने क्या रख दिया, दो इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब मैं इसके कोई भी एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑक्सीजन का, मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ मैं, तो ये नॉन बॉन्डिंग मैंने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। अब तुम कहोगे पाई स्टार में भी इलेक्ट्रॉन लिखो, दो सिग्मा स्टार में भी लिखो, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, उसका रीज़न बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्यों नहीं फिल करूँगी, केवल यहाँ ही इलेक्ट्रॉन क्यों फिल किए, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल क्यों नहीं करूँगी। देखिए आप लोग को 11th क्लास में एक बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं, एमओ में अंदर 1/2 इंटू बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन
बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन मैंने यहां रख दिए और दो एंटी बॉन्डिंग में रख दिए, तो क्या होगा? अगर मान लो एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन फिल करूं मैं, जैसे कि यहां पे एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है, अगर मैं यहां पे भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिल करूं, मैंने यहां फिल नहीं किए, उसका रीजन बता रही हूं मैं आपको। अगर मैं यहां पे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिल करूं तो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, टू माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, टू, तो कितना हो जाएगा, जीरो आएगा, ओवरऑल जीरो आ जाएगा, ये जीरो आएगा, वन इंटू टू इंटू जीरो करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो इसका मतलब क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, बॉन्ड का, बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर का, इसका मतलब जीरो बॉन्ड ऑर्डर है, इसका मतलब कोई बॉन्ड ही नहीं है। अगर एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन कुछ भी करके एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन भेज दिए, इसका मतलब क्या हो गया कि बॉन्ड ऑर्डर ही नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, जबकि हमारे पास तो बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास तो बॉन्ड है, जबकि अगर मैं एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिल करूं उसका मतलब क्या हो जाएगा कि बॉन्ड ही नहीं है, ठीक है, बॉन्ड टूट चुका है, तो बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ मेरा, बॉन्ड है अभी, इसलिए मैं एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर रही, क्योंकि अगर यहां पे भी इलेक्ट्रॉन फिल कर दी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड हमारा है ही नहीं, वो ऑर्डर से फॉर्मूले से निकाल के देखना, इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ही नहीं है, इसका मतलब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ये फिल नहीं करूंगी। आप कहोगे नॉन बॉन्डिंग में तो फिल किए, नॉन बॉन्डिंग तो फॉर्मूला में ही नहीं है, अपन को बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग से मतलब है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, मान लीजिए क्या होता है, ये कि जो एनर्जी लेवल होते हैं क्वांटाइज्ड होते हैं, ये जो एनर्जी लेवल होते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जो एनर्जी लेवल होते हैं ये क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे, मुझे जब मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से एन से पाई स्टार में भेजना है, मान लीजिए मुझे 6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए, कितनी चाहिए, 6 किलो कैलोरी पर मोल, और यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को, सॉरी, यहां से यहां इलेक्ट्रॉनों को भेजने के लिए मुझे चाहिए 12 किलो कैलोरी पर मोल। तो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि अगर मुझे 6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी मिलेगी तभी इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, 4 पे, ऐसे नहीं कि बीच में अटक जाएगा, ठीक है, 5 पे नहीं जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा, ठीक है, 12 मिलेगी तो सीधा इस पे, इससे इससे इस पे चला जाएगा, ये नहीं कि 10 दे दी मैंने तो इस पे चला गया, ठीक है, मतलब जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एक फिक्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक एनर्जी लेवल पे जाने के लिए, मान लीजिए इसको 6 एनर्जी की रिक्वायर है तो ये 6 ही लेकर पहुंचेगा ऊपर, ये नहीं कि आपने उसको 10 दे दिया तो वो यहाँ पहुंच जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, 4 किलो कैलोरी का क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा एनर्जी लेवल क्वांटाइज होते हैं, फिक्स एनर्जी मिलने पर ही, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी पर ही वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपर एनर्जी लेवल में जाएगा, जैसे अगर इसको 12 मिलेगी तो ही ये यहाँ से यहाँ जाएगा और अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है, मान लो मैंने 20 दे दी तो नहीं जाएगा, ठीक है, क्यों, इसको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ही चाहिए, इसका मतलब होता है क्वांटाइज्ड का, कि अपन को सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलने पर ही अपन लोग वहां ऊपर लोअर से अपर पे जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है 6 चाहिए तो 6 ही देनी पड़ेगी आपको, ये नहीं 8 दे दोगे या 4 दे दोगे 5 दे दोगे, इसको 12 चाहिए यहां से जाने में तो 12 ही देनी पड़ेगी, इसका मतलब ये है, ये कोई खास काम का नहीं है, बस एक मैंने आपको एक समझाने के लिए बताया कि क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एनर्जी लेवल कैसे होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, समझ में आई बात, ठीक है, इसको साफ कर दें। अब देखिए ये जो एनर्जी है, मैंने क्या पढ़ा है, ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से, कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है, पहले तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से ट्रांजिशन हमारे पॉसिबल है। तो देखिए, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन सिग्मा से कहाँ चला जाए, सिग्मा स्टार में चला जाए, देखो ऊपर ही ऊपर सिग्मा स्टार दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, सिग्मा से सिग्मा स्टार में चला जाए, तो फर्स्ट ट्रांजिशन कौन सी होगी हमारी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। सेकंड, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, इस पे चला जाए, तो पाई से पाई स्टार में, तो सेकंड ट्रांजिशन क्या होगी हमारी, पाई से पाई स्टार, ठीक है। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाए, एन पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से कहाँ चला जाए, तो थर्ड ट्रांजिशन होगी हमारी एन टू सिग्मा स्टार, और हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाए, तो फोर्थ होगी हमारी एन टू
पाई स्टार, ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। बाकी आप ये भी बोल सकते हो कि हो सकता है कि भाई सिग्मा से पाई स्टार में चला जाए, क्योंकि अपन को बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में भेज रहे हैं ना, तो अपन सिग्मा से पाई में नहीं भेजेंगे, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, वेकेंट ऑर्बिटल कौन से? आप कहोगे भाई यहाँ से यहाँ चला जाए, नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्बिटल सॉरी इलेक्ट्रॉन्स फिल है इसके अंदर। तो फिल कहाँ पर नहीं है? पाई स्टार में नहीं है, सिग्मा स्टार में नहीं है, तो अपन को पाई स्टार में भेजना है, सिग्मा स्टार में भेजने। तो हो सकता है कि तुम कहो कि पाई से कहाँ चला जाए, पाई से पाई स्टार में तो भेज रखा है मैंने, तुम कहो कि हो सकता है पाई से कहाँ चला जाए, सिग्मा स्टार में। फिफ्थ, पाई से कहाँ चला जाए, सिग्मा स्टार में चला जाए। और फिर तुम कहो कि हो सकता है कि सिग्मा से कहाँ चला जाए, पाई स्टार में चला जाए, सिग्मा से पाई स्टार में चला जाए, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन एक चीज बता दूं मैं कि ये ओनली 4 ट्रांजिशन ही पॉसिबल हैं थ्योरेटिकली, ये दोनों ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। वो क्यों नहीं है आज नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि ये हमारा टॉपिक भी है, फॉरबिडन अलाउड फॉरबिडन ट्रांजिशन, और ये ट्रांजिशन क्यों नहीं होते, ये टॉपिक भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये, तो वहाँ पे हम समझ भी लेंगे कि ये जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल क्यों नहीं है। तो फिर हमारे कौन कौन से ट्रांजिशन हुए, ये 4 ट्रांजिशन हुए हमारे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार, ये ट्रांजिशन हुए हमारे। ठीक है, ये हम देख लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक भी है अगला टॉपिक हमारा, और ये वहाँ भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि ट्रांजिशन क्यों 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 नहीं हुए। ठीक है, तो इनको मैं हटा दूँ, फिर इसको हटा देते हैं। चलो अब देखिए, अगर इनके एनर्जी ऑर्डर पूछे कि कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को अपर लेवल में पहुंचने के लिए, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसके लिए चाहिएगी। देखिए, याद देखिए कितना लंबा लेवल हो गया, कितना अपर हो गया, अप हो गया इससे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए चाहिए। उसके बाद देखिए पाई टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार के लिए, देखो ये दोनों लगभग बराबर है, ये दोनों लगभग बराबर है, एन टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, और सबसे कम ये हो गया हमारा, ये सबसे कम हो गया एन टू पाई स्टार, सॉरी देखिए मैंने एनर्जी ऑर्डर लिखा है, सबसे ज्यादा हमें दिख रहा है, आराम से दिख रहा है कि सबसे लंबा ये है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसके लिए चाहिए। फिर उसके बाद सबसे कम भी हमें दिख रहा है, सबसे कम इसमें चाहिए, लेकिन ये दोनों में बराबर से लग रहे हैं, पाई टू पाई स्टार और N2 सिग्मा स्टार, ये दोनों में बराबर से लग रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर देखो कि N2 सिग्मा स्टार पहले लिखा है, और कन्फ्यूज़न यही होता है। ठीक है, एक तो कन्फ्यूज़न यहाँ होता है एनर्जी लेवल लिखने में, पहले हम सिग्मा स्टार को लिख जाते हैं, पाई स्टार को बाद में रटना पड़ता है, लेकिन अब मैंने बता दिया, अब नहीं रटना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पर, ये तो हम दोनों को ईजिली दिख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा है इसके लिए और सबसे कम इसके लिए, लेकिन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि दोनों सेम से लग रहे हैं, और हम भूल जाते हैं कि पहले पाई टू पाई स्टार लिख रहे हैं, एन टू सिग्मा स्टार लिख रहे हैं। तो याद रखिएगा, याद करने का तरीका जैसे मैं जैसे जिस तरह से याद रखती हूँ, वो आपको तरीका बता देती हूँ कि पहला तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार याद ही है, बाद में क्या रहा है सिग्मा स्टार, तो पहले भी यहाँ इसके बाद भी कौन सा आएगा, सिग्मा स्टार आएगा, फिर इन दोनों में पाई पाई स्टार। ठीक है, पहले वाले दोनों में लास्ट में क्या आना है, सिग्मा स्टार आना है, फिर बाद के दोनों में क्या आना है, पाई स्टार, और ये तो हमें इजीली पता चल ही जाएगा एन टू पाई स्टार सबसे कम है। तो याद रखने का तरीका यही है कि तुम गलती मत कर जाना, यहाँ पाई टू पाई स्टार लिख दो, सिग्मा स्टार से याद रखना कि बाद वाली चीज़ क्या है, सिग्मा स्टार है, तो फर्स्ट जो दो हैं उसमें बाद में क्या आएगा, सिग्मा स्टार आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखिए, तो एनर्जी ऑर्डर पूछ लेते कई बार, एक नंबर में एनर्जी ऑर्डर हो गया ये। ठीक है, एनर्जी ऑर्डर, लेकिन आप अच्छे से जानते हो E इज इक्वल टू एच न्यू, तो E बराबर क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो के अंदर, और E कह सकते हैं कि इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ठीक है, एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल, लेमडा ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी, जानते हैं ना, एनर्जी कम तो लेमडा ज़्यादा, यानी इसके लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए वेव लेंथ क्या चाहिए, सबसे कम चाहिए। तो अगर वेव लेंथ, ये तो एनर्जी ऑर्डर है, अगर मुझे वेव लेंथ ऑर्डर बताना है, वेव लेंथ ऑर्डर, तो बताइए क्या हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा वेव लेंथ ऑर्डर। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट का मतलब ये सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार
ऑपोजिट इधर था ना, ऑपोजिट कर दिया, एन टू सिग्मा स्टार पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार सेम है, बस मैंने साइन उल्टे किए. क्यों साइन मैंने रिवर्स क्यों कर दिए? क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी और लैम्डा का भी जो रिलेशन है वो रिवर्स होता है. जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी लैम्डा क्या होती है? कम होती है. ठीक है, तो ये देखिए. लेकिन कई बार हमको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि एनर्जी ऑर्डर लिखो, राइट एनर्जी ऑर्डर इन एनएम. याद रखिए कई बार एग्जाम में पूछता है एनर्जी ऑर्डर इन एनएम, नैनोमीटर में एनर्जी ऑर्डर लिखना है. तो याद रखिएगा जब भी नैनोमीटर की बात होती है इसका मतलब वो वेवलेंथ ही बात कर रहा है. ठीक है, क्योंकि एनर्जी का तो पता ही है आपको क्या है, जूल एनर्जी मतलब जूल में लिखते हैं. ठीक है, जूल वगैरह में लिखते हैं एनर्जी. जब भी नैनोमीटर की अगर बात कर ली है उसने तो वेवलेंथ पूछ रहा है. तो यहाँ पर हमको एनर्जी ऑर्डर नहीं लिखना है, एनर्जी ऑर्डर उसने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है. यहाँ पर हमको लिखना है वेवलेंथ ऑर्डर, ये चीज़ याद रखना. यहाँ पे कौन सा ऑर्डर लिखना है? वेवलेंथ ऑर्डर. अगर एनर्जी ऑर्डर इन एनएम पूछ ले तो वेवलेंथ ऑर्डर लिखना है, एनर्जी ऑर्डर इन एम पूछ ले मीटर तब भी वेवलेंथ लिखना है. ये देखिए जो नैनोमीटर मीटर सेंटीमीटर की जो फॉर्म में पूछेगा आपसे वो वेवलेंथ ही होगी. ठीक है, तो वहां पर हमको वेवलेंथ लिखना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं ये चीज को वो. ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, एनर्जी ऑर्डर सबको याद हो गया. ठीक है, और जहां कंफ्यूजन था मैंने आपको बता दिया किस तरह से लर्न करना है उसको. लेकिन एक चीज में यहां पर एक एक्सेप्शनल केस है, कार्बोनिल कंपाउंड. कार्बोनिल कंपाउंड एक्सेप्शनल केस है. कार्बोनिल कंपाउंड जानते हैं कौन कौन से होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन. कौन कौन से होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं. कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर एक्सेप्शन हो जाता है एनर्जी ऑर्डर. एक्सेप्शन क्या है ये याद रखना तुम, तो बिल्कुल ये ऑर्डर याद रखना. अगर वेवलेंथ का ऑर्डर पूछे तो उल्टा कर देना, और अगर कार्बोनिल कंपाउंड की बात कर ले तो क्या होगा? सिग्मा टू सिग्मा स्टार. ठीक है, यहां पर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, पाई टू पाई स्टार आ जाएगा, एन टू सिग्मा स्टार आ जाएगा और एन टू पाई स्टार आ जाएगा. इन कार्बोनिल कंपाउंड ये वाला ऑर्डर आएगा, याद रखिएगा. तुमको तो बस कुछ नहीं करना है, ये वाला ऑर्डर याद रखना है. इस वाला ऑर्डर को याद रखोगे तो वेवलेंथ का ऑर्डर अपने आप याद हो जाएगा, उल्टा कर देना. अगर एक्सेप्शनली कार्बोनिल कंपाउंड का पूछ ले तो कार्बोनिल कंपाउंड में यहां पे थोड़ा सा जहां मैंने बता रखा है कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जहां पे जो कंफ्यूजन वाली जगह है वहां ये जगह वो इसको चेंज कर देना कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर. समझ में आई बात? ठीक है, इतना समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया. ठीक है, तो यही चीज है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की. समझ में आ गया? देख लीजिए अच्छे से. अब एक एक इलेक्ट्रॉन, चारों जो इलेक्ट्रॉनिक, ये तो मैं कल बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि क्यों नहीं हुए. ये जो एक एक ट्रांजिशन है इसको हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे अब. ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन कौन सा हमारा? सिग्मा टू सिग्मा स्टार. कौन सा ट्रांजिशन है? तो अब फर्स्ट को देखेंगे हम, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. सिग्मा टू फर्स्ट क्या है हमारा? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. देखिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सारे बॉन्ड सिग्मा होने चाहिए. क्या होने चाहिए? सिग्मा. सिग्मा मतलब सिंगल. तो यानी कि एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो क्या हो सकता है इसका? एल्केन, जानते हैं ना एल्केन के अंदर सारे बॉन्ड कैसे रहते हैं? सिग्मा रहते हैं. एक एग्जांपल और हो सकता है इसका, बता सकते हैं आप मुझे? ठीक है बताइए. साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन का मतलब क्या होता है? इस तरह से सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब साइक्लो का मतलब क्या है? ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया, चक्री कंपाउंड हो गया. ये तो ओपन चेन कंपाउंड हो गया और ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया. समझ में आई बात? तो साइक्लो इसका एग्जांपल क्या हो गया? एल्केन और साइक्लो एल्केन. एल्केन और साइक्लो एल्केन में सारे बॉन्ड कैसे रहते हैं? सिंगल. सिंगल बॉन्ड क्यों लिए? क्योंकि हमें सिग्मा की ही बात करनी है, सिग्मा से ही इलेक्ट्रॉन सिग्मा में ही भेज रहे हैं, सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, जो कि ये वाला. और ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ये सिग्मा टू सिग्मा. देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी की नीड है इसके लिए, इस वाले ट्रांजिशन के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की नीड है. ठीक है, तो एनर्जी नीडेड मैक्सिमम या वेरी हाई? वेरी हाई. तो अगर मैं लैम्डा की बात कर लूं, एनर्जी वेरी हाई है तो लैम्डा क्या हो जाएगा? वेरी लो. यानी कि इस वाले ट्रांजिशन के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और लैम्डा की बहुत कम ज़रूरत होती है. पहले मैं आपको रेंज और लिख देती हूँ एक बार. यूवी विजिबल की रेंज क्या है, हालांकि मैं बता चुकी हूँ एक बार, हमारे काम आएगी इसलिए लिख रही हूँ यहाँ. 50 टू 200, 200 टू 400,
और 400 टू 800 nm के अंदर है सारी, क्योंकि वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो nm के अंदर है ये, है ना। वेवलेंथ लिख रही हूँ मैं, ये जो मैंने रेंज लिखी है किसकी है, वेवलेंथ की रेंज है, लैम्डा की रेंज है, ठीक है। तो मैं बता चुकी हूँ वहाँ कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन नहीं है। यहाँ पे जब कोई भी अगर इस रीजन का अगर इस वाले रीजन से अगर कोई एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है कोई कंपाउंड, तो उसका कोई भी हमें स्पेक्ट्रम दिखाई नहीं देगा। केवल इस 200 टू 800 nm इस वाले रीजन से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो अब्जॉर्ब करता है तो ही हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा और उसकी स्ट्रक्चर डिटेक्ट होगी हमें, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इस वाले रीजन से हमें स्ट्रक्चर पता नहीं चलेगी इस रीजन की, जब उसने किसी भी कंपाउंड ने एनर्जी को गेन किया, सॉरी एनर्जी नहीं वेवलेंथ लैम्डा को गेन किया है, तो उससे हमें कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से पता चलेगा लैम्डा एनर्जी, ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो लैम्डा की क्या होगी, बहुत कम की ज़रूरत होगी। जो कितना लैम्डा की ज़रूरत होगी, 150 टू 200 nm, इतनी लैम्डा की हमें ज़रूरत होगी। लैम्डा कितनी ज़रूरत होगी, 150 टू 200 nm, जो कि बहुत कम है और जो कि किस रीजन की है, इस रीजन की है। इसको याद है क्या बताया था मैंने, याद करो क्या बताया, फार यूवी रीजन, या एक नाम और बताया था मैंने इसका, वैक्यूम यूवी रीजन, क्या बोलते हैं, वैक्यूम यूवी रीजन, ठीक है। तो वैक्यूम यूवी रीजन से यहाँ पे 200 nm तक वैक्यूम यूवी रीजन है, तो वैक्यूम यूवी रीजन की ये वेवलेंथ को क्या करेगा, अब्जॉर्व करेगा, इसीलिए हमें इसका स्पेक्ट्रो कोई भी स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से हमें कुछ भी पता नहीं लगेगा, कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा कंपाउंड के स्ट्रक्चर का, क्योंकि इसने इस रीजन की जो है वेवलेंथ को अब्जॉर्ब किया है, इसलिए हमें इसका कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा, इस ट्रांजिशन से स्ट्रक्चर का कोई भी आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम कुछ भी नहीं लगा सकते, इसकी स्पेक्ट्रम ही नहीं मिलेगी हमको, स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगी तो इस ट्रांजिशन से हमें स्ट्रक्चर आइडिया नहीं होगा, स्ट्रक्चर का डिटेक्शन नहीं होगा। दूसरी जो है वो एन टू सिग्मा स्टार को देख लेते हैं, एन टू सिग्मा स्टार। अब बताइए मुझे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके अंदर, मीन्स उसके अंदर लोन पेयर होने चाहिए एक तो, और एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। एक तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, लोन पेयर, और सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। मैं कह सकती हूँ CH3OH ले सकती हूँ, देखिए सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर भी है, CH3NH2 ले सकती हूँ, लोन पेयर भी है सिग्मा बॉन्ड भी है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैं ले सकती हूँ, ठीक है। तो ये एन टू सिग्मा स्टार के अंदर आ जाएंगे ये सारे एग्जाम्पल, ठीक है। इसके भी एनर्जी ऑर्डर मैंने अभी साफ कर दिया, लेकिन मैंने बताया था कि एनर्जी ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए। फिर मैंने कहा था इन दोनों में कन्फ्यूजन रहेगा, एक तो पाई टू पाई स्टार में और एक एन टू सिग्मा स्टार में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, बराबर सी लग रही है, लेकिन मैंने कहा था ये ज़्यादा होती है, याद करने का तरीका मैंने बताया था, बाद में क्या आते हैं सिग्मा स्टार आते हैं दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये भी करीबन इसको थोड़ा कम कर लीजिए, 100 से 150 कर लीजिए, 100 से 150 है ना, मुझे गलती से याद रह गया, ठीक है। इसकी होती है 150 से 200, 150 टू 200 है ना, वो मैंने गलती से लिख दिया था, 150 टू 200 तो इसकी है, इसकी तो 100 टू 150 है ना में, ठीक है। इसकी इस इतनी एनर्जी रिक्वायर, इतनी एनर्जी की इसको एनर्जी सॉरी वेवलेंथ की इसको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब देखिए ये जो 150 टू 200 nm है वो भी इसी रीजन के अंदर आ रहे हैं, आ रहे हैं इसी रीजन के अंदर, ये भी 100 से 150 वाला और 150 से 200 वाला सभी इसी रीजन के आ रहे हैं, यानी कि अगर n टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा तो भी हमें स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा और हमें स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों ट्रांजिशन का तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, इन दोनों ट्रांजिशन से हमको कुछ मिलता ही नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं होगा स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये वही है, लैम्डा कितनी ज़रूरत पड़ेगी, लैम्डा एनर्जी इससे कम सिग्मा टू सिग्मा स्टार से, और वेवलेंथ इससे इससे हल्की सी ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होता है, ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो सेकंड हो गया एन टू सिग्मा स्टार। थर्ड देखिए, थर्ड देखिए क्या बताया था मैंने, पाई टू पाई स्टार। अब बताइए मुझे इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल्स वो हो सकते हैं जिनमें पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड तो मैं ले सकती हूँ, कीटोन ले लूँ, एल्डिहाइड ले सकती हूँ, मतलब वो एग्जांपल ले सकती हूँ जिनके अंदर पाई बॉन्ड है केवल, ठीक है। सॉरी कीटोन नहीं ले सकती मैं, क्योंकि कीटोन के अंदर तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, कीटोन क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि कीटोन के अंदर तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे, ठीक है।
तो किटो नहीं ले सकती, एल्कीन एग्जाम्पल हो सकते, एल्कीन साइक्लो एल्कीन ले सकती हूँ, एल्काइन ले सकती हूँ क्योंकि एल्काइन में भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी क्या है दो पाई बॉन्ड है, तो एल्काइन भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, एल्कीन साइक्लो एल्कीन एल्काइन ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जहाँ पाई बॉन्ड हो, केवल पाई बॉन्ड हो, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 200 to 250 nm, इसको भी याद रखने का तरीका बताऊंगी मैं अभी, एंड इस रेंज को भी इसकी इतनी लैम्डा ही अब्जॉर्ब करेगा। तो देखिए यहाँ से अगर अपन लैम्डा देखें तो इस रीजन से अपन बाहर आ चुके हैं, इस रीजन को अपन पार कर चुके हैं, अब ये वाले रीजन पे आ गए, यानी कि इसकी स्पेक्ट्रम, इसका स्पेक्ट्रम है, इस रीजन का स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देगा, ठीक है, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन के अंदर आ गई। ये रेंज 200 to 250, यानी कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के थ्रू हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजन हमारा, ये जो ये है हमारा जो ट्रांजिशन है वो हमारा काम का रहेगा स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। समझ में आई बात मेरी, आ रहा है ना ढंग से समझ में। अब लास्ट बताइए कौन सी बची है, एन टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार में कौन कौन सा हो सकता है, एन टू पाई स्टार में कौन सा हो सकता है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हो और डबल बॉन्ड भी हो, ठीक है। तो मैं ये एग्जांपल ले सकती हूँ, इनोन का एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, हाइड्रोजन लगा लेना तुम, इसमें पाई बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, समझ भाई। तो ये एग्जाम्पल ले लिया एन टू पाई स्टार का, और इसकी जो रीजन रेंज है इसकी 250 to 300 nm या इससे ऊपर, अब देखिए यहां पर दो तरह के ट्रांजिशन हो सकते हैं, दो तरीके के ट्रांजिशन हो सकते हैं, कौन से, एक तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा हो सकता है, एक तो एन टू पाई स्टार हो सकता है, एक यहां पर देखिए दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है यहां पे, ठीक है। तो एक हमारा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी हो सकता है यहां पे, ठीक है। तो याद रखिए अगर इनोन की बात, इनोन है ये एल्कीन और ओन, इनोन है ये, ठीक है। अगर इनोन की बात करें तो दो तरह के ट्रांजिशन पॉसिबल है इसके अंदर, एक तो एन टू पाई स्टार और दो डबल बॉन्ड है इसलिए पाई टू पाई स्टार, ठीक है। अगर एक एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मुझे CH3CO CH3 बताइए कौन सा ट्रांजिशन होगा यहां पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहां पर पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, ठीक है। जबकि यहां पर दो डबल बॉन्ड है इसलिए दो तरह के ट्रांजिशन पॉसिबल है, एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार, ठीक है। तो पाई टू पाई स्टार की रेंज तो कितनी होती है, इतनी होती है, और एन टू पाई स्टार की रेंज 250 to 300 nm या इससे ऊपर, समझ में आ गई, ये रेंज है। एग्जाम्पल्स आपको समझाई दिए थे, ठीक है। अब याद रखिए रेंज को कैसे याद रखिए, या इतना याद रखना है 100 से याद रखना, 100 से चलना, 50-50 आगे चलना, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300 और इससे ऊपर, इस तरह से याद रख लेना रेंज को, ठीक है। हाँ रेंज आपको अलग अलग बुक में थोड़ी अलग अलग ज़्यादा कम मिल सकती है, जैसे कोई 120 से 170 कह देगा इसको, या कोई 150 से 200 कह देगा इसको, 200 से 250 कह देगा, तो रेंज हल्की सी 50-100 का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हाँ इतना डिफरेंस नहीं होगा, रेंज का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये दोनों मिलेंगी किस रीजन में, इसी रीजन में, 200 से कम ही होगा, है ना। रेंज थोड़ी सी अप हो सकती है, लो हो सकती है, क्योंकि मैथमेटिकल वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे जा सकती है रेंज की, बाकी मिलेंगी इसी रेंज में 50 to 200 में, यानी कि 200 से कम ही रहेगा, ठीक है, और ये 200 से ऊपर रहेगा, समझ में आई बात। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के थ्रू ही हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, ये दोनों ट्रांजिशन के थ्रू, इन दोनों से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन में आते ही नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है, जिसके वजह से हमें स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आज हमने जो भी टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन के बारे में या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, कई बार इसके इस तरह से पूछ लेते हैं एनर्जी ऑर्डर को, मतलब एनर्जी ऑर्डर के बारे में मुझे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बीएससी के अंदर आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो एनर्जी ऑर्डर का पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और आपको याद रख, ये सब रटने की जरूरत नहीं है, एनर्जी ऑर्डर ये सब मैंने समझा दी कि किस तरह से आपको, मतलब हो जाएंगे अपने आप बिना लर्न के हो जाएंगे, ठीक है। इनको याद करने का तरीका भी बता दिया, ठीक है। तो ये आज तक यही था, नेक्स्ट वीडियो में के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये एक तो ट्रांजिशन क्यों नहीं हुआ, है ना, यानी कि
जो भी ट्रांजिशन होने के लिए किस किस चीज़ की नीड होती है, मतलब ये चारों ही क्यों हुए, ये दोनों क्यों नहीं हुए, ठीक है? तो वो सारी चीज़ देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।